तो पार्टी क्या हाल चाल है? तो फाइनली अब वो टाइम आ चुका है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, एंटमैन का स्पॉइलर रिव्यू। तो एंटमैन का स्पॉइलर फ्री रिव्यू तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें इस मूवी को लेकर जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं की है, तो एक एक करके चुन चुन के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें मूवी की स्टोरी की, तो एंटमैन फैमिली एज यूजुअल अपनी हरकतों से नाबाज आते हुए उस चीज से छेड़छाड़ करना बंद नहीं करते जिसे वो पूरी तरीके से नहीं समझते। क्वांटम नियम की बात कर रहा हूं मैं। और मजे की बात तो ये है कि जिस इंसान को सब कुछ पता है वो अपना मुंह नहीं खोलता, या यूं कहूं कि तब तक मुंह नहीं खोलता जब तक बात बिल्कुल बिगड़ नहीं जाती। और बात बिगड़ने से मेरा मतलब है कैंग द कॉन्करर। कैंग के क्वांटम रियम में फंसने का रीजन भी हमें क्लियर कर दिया गया है कि वो एक तरीके का एक विद्रोही है जिसको गांड पर लात मारकर निकाल दिया गया है कैंग की डायनेस्टी से और सड़ने के लिए छोड़ दिया है क्वांटम रियम में। आगे आने वाली मार्वल मूवीज में तुम्हें कैंग के और भी कई सारे वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन अगर इस वाले कैंग की यूएसपी की बात करें तो ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है अपनी फीलिंग्स को लेकर। बट जितना ये अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर एक्सप्रेसिव है उतना ज्यादा ये एक्सप्रेसिव नहीं है अपने थॉट्स के मामले में। कैंग ने थ्रू आउट द मूवी अपने राज पे पर्दा ही रखा और किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दिया और काफी हद तक कंजर्वेटिव रहा अपने मोटिव्स को लेकर, एक्सेप्ट की वो कुछ तबाह करने वाला है। बाकी मूवी में दिखाए गए सारे कैरेक्टर्स में ऐसा सच हमें कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिला। कॉट, होप, जेनेट और हैंक अपने उसी ट्रेडिशनल कैरेक्टर को पकड़ कर चल रहे थे जो उन्होंने प्रीवियस मूवीज में पकड़ कर रखा था, और यहाँ केसी का कैरेक्टर इस मूवी के लिए कुछ नया था क्योंकि इससे पहले हमने उसके बारे में इतना ज्यादा नहीं जाना कि वो कैसे थॉट प्रोसेस है उसका और क्या चाहती है वो। उसे देखकर साफ पता चलता है कि वो एक ट्रू हीरोइक पर्सनालिटी को लेके चलती है जो एक एवेंजर बनने की क्वालिटी है। बात करें मूवी की पेसिंग की, तो पेसिंग भी मूवी की ठीक ही है। ये शुरू होती है थोड़े से लाइट हंसी मजाक के साथ और ऐसा फील कराएगी कि स्कॉट की ऑटोबायोग्राफी है, और फिर धीरे धीरे मूवी सीरियस होने लगती है और कैंग का बिल्डअप बनाना शुरू करती है। लेकिन जिस हिसाब से मूवी ने थ्रू आउट कैंग का बिल्डअप बनाया था उस हिसाब से ये क्लाइमेक्स में अपने आप को नहीं दिखा पाती। मतलब जब कैंग फुल रेज में अरीना में उतरा था तो आई थॉट कि एंटमैन फैमिली में से एक दो तो पक्का निपटने वाले हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और कैंग को इन चीटियों की आर्मी ने हरा दिया। ये मार्वल का ट्रेंड बनता जा रहा है क्या, किसी भी बड़े कैरेक्टर को चीटियों या फिर बच्चों से पिटवाने का? खैर, इसके बाद स्कॉट कैंग को हरा देता है और कैद हो जाता है क्वांटम रियल में, जिसको लेके मुझे ऐसा लगा था कि मूवी इस चीज को यहीं पर इनकम्प्लीट छोड़ देगी। पर एट द वेरी मोमेंट केसी आ जाती है उन लोगों को वहां से रेस्क्यू करने। मतलब अगर तुम थोड़ा सा सोचो तो ये बहुत हद तक एक वेनिला एंडिंग की तरह नहीं थी, जो किसी को भी बुरी नहीं लगेगी बिकॉज ये हैप्पीली कंक्लूड हो गया है। पर मूवी का मेन काम था कैंग का टेरर सेटअप करना, तो उस मामले में मुझे लगता है कि क्लाइमेक्स थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। और अब बात कर लेते हैं मूवी के मिड क्रेडिट और एंड क्रेडिट की। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कैंग डायनेस्टी का फुल फ्लैश रिव्यू। यहाँ कैंग का हर एक एग्जिस्टिंग वेरिएंट मौजूद था जो किसी टाइप के स्टेडियम या अरीना में लग रहे थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ कुछ ऐसे वेरिएंट थे जो बाकियों के मुकाबले ज्यादा अथॉरिटेटिव थे, जिसमें से रामाटूट को तो मैंने एकदम ही पहचान लिया था उसके इजिप्शियन वार्डरोब के चलते, पर उसके अलावा भी 2 से 3 वेरिएंट्स और थे जिनके बारे में मुझे और थोड़ा देखना पड़ेगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली कैंग का जो वेरिएंट इस मूवी का विलेन है वो भी इन्हीं अथॉरिटेटिव लोगों में से एक था। एंड ये सबके सब अर्थ पर अटैक करने के मूड में आ गए हैं क्योंकि इनका राज खुल चुका है, अब इन्हें अटैक करने में पूरे 2 साल लगेंगे। खैर, इतनी लंबी नहीं सोचते, अब बात कर लेते हैं एंड क्रेडिट सीन की। तो एंड क्रेडिट सीन डायरेक्टली कनेक्ट होता है लोकी के सीजन 2 से। हमें कम्प्लीटली डिफरेंट वेरिएंट दिखाया जाता है कैंग का जो टीवीए को हेड कर रहा है, और उसे देखते ही हमारा लोकी तुरंत पहचान लेता है और बताता है मॉर्बियस को कि यही साला कांडी है। और ये देखकर एक पल के लिए तो सारे फैंस का सर चकरा सकता है कि ये हुआ क्या। तो मेरे को जो इसका प्रोबेबल आंसर लगता है वो ये होगा कि लोकी जब अपनी लोकी सीरीज में एक इंटायरली न्यू टाइमलाइन में पहुंच गया था तो उस टाइमलाइन में भी टीवीए एग्जिस्ट कर रहा था और उसे हेड कर रहा था कैंग का एक वेरिएंट। मतलब उस टाइमलाइन के कैंग के वेरिएंट ने भी ही हू रिमेंस की ही तरह अपनी एक अलग सेपरेट टाइमलाइन बना ली होगी और टीवीए को हेड कर रहा होगा। बट अनलाइक ही हू रिमेंस, ये सबके ने आके हेड करता है, इसलिए ही टीवीए में इसके इतने बड़े बड़े स्टैचूज लगे थे और टीवीए के एम्प्लॉयज इसकी बातें सुन रहे हैं। अब ये कैंग मेन कैंग है ये तो अभी कोई भी नहीं बता सकता, इसके लिए तो वेट ही करना पड़ेगा। लेकिन तुम फिलहाल एक काम कर सकते हो कि अगर वीडियो यहाँ तक देखी तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और मैंने कैंग द कॉन्करर के ऊपर एक लेमैन और सरकास्टिक वे में वीडियो बना रखी है जिसको चेकआउट करने के लिए तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो, और सब्सक्राइब करो द वॉचर को ऐसे ही पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। बाकी तो मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए होती है फिर।